तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। यूपी टेट 2021 एग्जाम पर आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। हमारे जितने भी यूपी टेट 2021 के छात्र आज की वीडियो देख रहे हैं, 21 अगस्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन और आप सभी के एग्जाम डेट पर आप लोगों को बता दें। इससे पहले भी छात्रों के कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर सर नोटिफिकेशन जो जारी होना था उसकी जो डेट है वो काफ़ी पहले ही बीत चुकी है, तो यहाँ पर यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है इस पर क्या जो है अपडेट आ रही है, क्या लाइव अपडेट आ रही है, तो आप लोगों को बताते हुए हैं। काफ़ी समझे कि एक हर्ष हो रहा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का नोटिफिकेशन अब जारी होने वाला है। यहाँ पे यूपी टेट के अधिकारियों ने एक लेटेस्ट बातचीत में यहाँ पे एक बयान दे दिया है। यहाँ पे आप सभी का यूपी टेट 2021 का एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा और पूरी डिटेल्स दिया है 97,000 वैकेंसी पर भी। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यूपी टेट 2021 एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट आती हैं महत्वपूर्ण आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुँचाई जाती हैं। और अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं यूपी टेट एग्ज़ाम की या सी टेट एग्ज़ाम की तो आज ही जाइए टेलीग्राम पर, हम लोगों के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी जॉब विद अभय। अभी तक करंटली यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे होंगे 10,000 से ज़्यादा छात्र ज्वाइन हो चुके हैं। टेलीग्राम पर भी 10,400 ज़्यादा छात्र मिल जाएंगे आपको और यहाँ पर आप लोगों को यूपी टेट सी टेट और 97,000 की जो वैकेंसी है आ रही है, ठीक है, उसकी पूरी तैयारी हम लोग जो है फ्री में करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आप लोगों को यूपी टेट एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है, यूपी टेट एग्ज़ाम को लेकर और हमारे 97 भर्ती के एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है, 97,000 वैकेंसी को। तो आप लोगों को अगर इन सभी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी कंटेंट उपलब्ध करा दिया जा चुका है ताकि हमारे जितने भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके। तो टेलीग्राम पे सभी छात्र जरूर ज्वाइन हो जाएं, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुँचता है। हम लोग जो भी फ्री कंटेंट होता है यहाँ पे अपने टेलीग्राम पर ही अपलोड करवाते रहते हैं छात्रों को, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाभ भी पहुँचता है, तभी छात्र यहाँ पर ज्वाइन भी हो रहे हैं। सबसे पहली अपडेट दे देते हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए कि लाइव अपडेट आप सभी तक पहुंचाई जाती है। यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद भी आप लोगों को जो है सिर्फ वही छात्र एलिजिबल होंगे नौकरी के लिए, क्योंकि मेन एम आप लोगों को जो मेन काम है वो यूपी टेट एग्ज़ाम को क्लियर करना नहीं है, यूपी टेट एग्ज़ाम को क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब भी हासिल करना है। तो यहाँ पर क्या सिर्फ इन पात्रता परीक्षाओं को पास करने से मिल जाएगी नौकरी, तो यहाँ पर आपको बता दें काफ़ी एक बड़ा चेंजमेंट भी हो रहा है इस बार यूपी टेट एग्ज़ाम में और सी टेट एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर आप लोगों को हम पूरा बताते हैं। यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या जो आप लोग यूपी टेट पास करेंगे या सी टेट पास करेंगे तो आप लोग इनको पास करके ही नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसा समझते हैं इन परीक्षाओं को पास कर लेने से शिक्षक की नौकरी मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लेटेस्ट बदलाव किया जा रहा है, ठीक है, एक काफ़ी बड़ा परिवर्तन भी हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपी टेट में पास होने पर आप जो है उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकलने पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, और इसी मतलब कि यूपी असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी के लिए ही आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे और स्कूलों में जितनी भी भर्तियाँ निकलती है शिक्षकों के पद की, ठीक है, असिस्टेंट टीचर की, तो आप लोग उसमें एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ यूपी टेट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये दोस्तों यहाँ पर अब जारी होने जा रहा है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आप लोगों को 25 अगस्त 2021 तक ही देखने को मिल सकता है ऑफिशियल साइट पर। साथ ही साथ इसका जो एग्ज़ाम है लेटेस्ट डेट के अनुसार 28 अगस्त 2021 तक ही कंडक्ट होने जा रहा है, ठीक है, 28 अक्टूबर तक ही आप लोगों का ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस बार काफ़ी सारे चेंजमेंट जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे सी टेट एग्ज़ाम में। यूपी टेट के जो चेंजमेंट है वो आपको अगले साल यानी कि 2022 में देखने को मिलेंगे, ठीक है, यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे चेंजमेंट होंगे सी टेट एग्ज़ाम को देखते हुए।